हेलो एवरीवन, जसप्रीत हियर, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो हमारी वीडियो है वो होम टैब से रिलेटेड है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में जो होम टैब होती है उसकी वर्किंग से रिलेटेड आज जो हमारी वीडियो है। और अगर आपने फाइल से रिलेटेड या फिर ये क्विक बार एक्सेस क्या होता है उससे रिलेटेड वीडियोस देखनी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और आज जो हमारी वीडियो है वो होम टैब से रिलेटेड है, सो लेट्स स्टार्ट। और इससे रिलेटेड ये हमारा रिबन था जिसमें ये अलग अलग ग्रुप्स हैं, जैसे अंडू, क्लिप बोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ्स एंड स्टाइल्स। और आज जो हमें इनको डिटेल में करेंगे जो ये ग्रुप्स हैं होम टैब के। सबसे पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बताती हूँ जिससे हम क्या है जो भी ये वर्ड से रिलेटेड रैंडम डेटा है उसको पिक कर लेता है वो फॉर्मूला। जैसे मुझे ऐसे कुछ भी अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। सॉरी, जब हमने ये जो हमारे पर बटन साइन को अगर हमने अप्लाई करना है तो हमारे पास पहले जो है टेक्स्ट होना चाहिए। तो कुछ भी ऐसे रैंडम टेक्स्ट फिल करने की बजाय हम क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। इक्वल आर ए एन डी रेन, और शिफ्ट के साथ आप 9 को प्रेस करना और देन शिफ्ट के साथ ही 0 को प्रेस करना। हम बोल सकते हैं कि ब्रैकेट्स को हम ले आएंगे यहाँ पर, और उसके बाद आपने एंटर प्रेस करना है। देन हमारे पास ये देखो, ये हमारे पास इस तरीके से टेक्स्ट आ जाएगा। ये टेक्स्ट हम यूज करेंगे इनको यहाँ पर, जो ये फंक्शंस है इनको यहाँ पर अप्लाई करने के लिए। तो अब देखो, सबसे पहले अंडू है। अंडू का तो आपको पता ही है, अगर हमने अंडन और रीडन करना है, जैसे हमने यहाँ पर कुछ अप्लाई किया, जैसे ये हमने अप्लाई कर दिया इस पर, ठीक है, और हमसे जो है गलती से ये डिलीट हो गया, जैसे मैं बैक स्पेस कर देती हूँ, तो हमें ये वापस चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, हम अंडन कर सकते हैं और ये देखिए हमारे पास आ जाएगा। अगर आपसे कोई भी डेटा गलती से डिलीट हो जाता है तो आप अंडन कर सकते हैं, और रीडन है उसे दोबारा से फिर से मतलब कि डिलीट करने के लिए। तो ये इस तरीके से अंडन और रीडन जो है इनका हम यूज करते हैं। और इनके शॉर्टकट कीज देखो, ये साथ में ही है। जो अंडन होता है उसकी शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल जेड होती है, और जो हमारे पास रीडन होता है उसकी कंट्रोल वाई होती है। तो ये दोनों हमारे पास शॉर्टकट की होती है। उसके अलावा नेक्स्ट हम चलते हैं क्लिप बोर्ड पर। क्लिप बोर्ड पर ये हमारे पास कट का ऑप्शन है, पेस्ट का, सॉरी कॉपी का है और पेस्ट का है। और इनकी शॉर्टकट की भी आपको पता ही होगी, कट की होती है कंट्रोल। तो ये उससे रिलेटेड हमारे पास जैसे ये कीबोर्ड पर ये बटन्स होते हैं, ये एक्स सी वी, तीनों बटन इकट्ठे होते हैं, कट और कॉपी और पेस्ट का, एक्स सी वी, और साथ में ये अंडू का बटन भी इसके साथ ही होता है। जैसे ये हमारे पास जेड बटन है तो ये अंडन के लिए होता है, तो ये तीनों चारों बटन जो है लेफ्ट साइड में इकट्ठे ही होते हैं। और इसके बाद जो है मैं आपको इससे रिलेटेड थोड़ा सा जो है इनको अप्लाई करके दिखाऊंगी कि हम किस किस तरीके से इनको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ये देखो हमारे पास ये कट कॉपी और पेस्ट का ऑप्शन है, पहले हमें इसे सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मैंने ये टेक्स्ट को सिलेक्ट किया है तो हम जब टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद देन हम जब कट पर प्रेस करेंगे तो ये देखो इस तरीके से ये जो डेटा है वो कट हो जाता है। और इनका जो डिफरेंस मेन क्या है कट और कॉपी में, कट में वहां पर डेटा जो होता है वो डिलीट हो जाता है और कॉपी में डेटा वहां पर भी रहता है, नेक्स्ट जहां पर हम प्लेस करेंगे वहां पर भी चला जाता है। जैसे देखो ये कर्सर मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ तो हम पेस्ट करेंगे तो वो मटेरियल यहाँ पर जो है पेस्ट हो जाएगा। और उसी तरीके से हम जैसे इसको अब कॉपी करने लगे हैं तो इसको हमने सिलेक्ट किया और हमने कॉपी पर प्रेस किया तो कॉपी का हो गया एक्टिव। उसके बाद हम देखो ये अब हम इसको पेस्ट करेंगे तो जब हम पेस्ट करते हैं तो ये देखो ये जो डेटा है वो वहां पर भी है, वर्ड प्रोवाइडर, हेडर, फुटर, और देन नीचे भी वो वाला पैराग्राफ जो है वो नीचे भी आ गया है। तो इनका डिफरेंस यही था कि कट वहां से कट कर देता है जो मटेरियल है और कॉपी उसको कट नहीं करता वहां से, ठीक है। तो ये इनका मेन जो डिफरेंस था यही था। नेक्स्ट ग्रुप हमारे पास है फॉन्ट का। और ये इस फॉन्ट में जो ये सारे हैं हमारे पास फंक्शन, इनको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, जैसे ये देखो पहले हमने इसको सिलेक्ट किया फर्स्ट पैराग्राफ को, तो हम इस तरीके से इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। थीम फॉन्ट बोलते हैं इसको। जैसे ये जो भी मैं अप्लाई कर रही हूँ, देखो उनका साथ में आपको प्रीव्यू भी शो हो रहा है। तो हम जैसे आपने असाइनमेंट्स क्रिएट करनी है तो उसके लिए टाइम्स न्यू रोमन जो होता है वो बेस्ट होता है। और यहाँ से हम जो है साइज जो है इसका साइज जो है उसे हम इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। ये 72 तक होता है हमारे पास हाईएस्ट, और 8 जो होता है मिनिमम होता है। अगर आपको 72 से अबव चाहिए तो आप यहाँ से जो है साइज और इंक्रीज कर सकते हो। और अगर आपको
8 से कम चाहिए तो आप यहाँ से और भी डिक्रीज कर सकते हो। तो इस तरीके से हम इनको साइज को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। और जो बेसिक आपको रखना है साइज, आपके जो आपका डेटा है उसका साइज आपको 12 रखना है। अगर आपके पास हेडिंग है तो हेडिंग का आप 14 या 16 रख सकते हो। नॉर्मल जो डेटा है, डेटा होता है उसका 12 साइज इनफ होता है। और नेक्स्ट हमारे पास जो होता है, नेक्स्ट हमारे पास है ये देखो, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, इस तरीके से ये हमारे पास जो भी डेटा है वो नॉर्मल केस में है। अगर हमने इसे सबको लोअर केस में कन्वर्ट करना है तो जैसे ये देखो WCO, ये सब जो है लोअर केस में कन्वर्ट हो जाते हैं इस तरीके से। और अगर आपने अपर केस अप्लाई करना है तो सारे जो है लेटर्स, हमारे वर्ड्स हैं, वो अपर केस में कन्वर्ट हो जाते हैं। और अगर आपको कोई हेडिंग वगैरह क्रिएट करनी होती है, आपने पहले लिख लिया तो उसे डिलीट करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट उसे सिलेक्ट करके अपर केस जो है अप्लाई कर सकते हो। और नेक्स्ट कैपिटलाइज ईच वर्ड, इसमें पहला जो वर्ड है हमारा वो कैपिटल हो जाता है इस तरीके से। और जो टोगल केस होता है, इसमें क्या होता है, ये ऑपोजिट कर देता है। अगर हमारे पास कैपिटल है तो उनको स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट कर देगा, स्मॉल लेटर्स को कैपिटल में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन ये जो है ये यूजलेस है, तो इसका यूज नहीं होता है। तो हम नॉर्मल सेंटेंस केस में कन्वर्ट कर देते हैं इसको। देन हमारे पास ये बोल्ड है, बोल्ड क्या करता है, थोड़ा सा हाईलाइट कर देता है इसको, जैसे ये बोल्ड कर देता है। और इसमें क्या है, हमारे पास जो शॉर्टकट कीज है वो साथ में है, कंट्रोल बी बोल्ड के लिए, कंट्रोल आई इटैलिक के लिए, कंट्रोल यू अंडरलाइन के लिए। इटैलिक हमारे पास क्या करेगा, ये टिल्ट कर देता है डेटा को इस तरीके से थोड़ा सा। और अंडरलाइन में आप जो है कोई भी अंडरलाइन अप्लाई कर सकते हो, जैसे आप यहाँ से और भी अंडरलाइन देख सकते हो, डैश वगैरह जो भी आपको चाहिए वो अप्लाई कर सकते हो। और आप देख सकते हो जब इस पर है हम, तो ये जो है हाईलाइट नहीं हो रहा। जब आप इस पर क्लिक कर रहे हो तो ये देखो हाईलाइट हो गए तीनों, तो ये शो करता है इस डेटा पर क्या क्या अप्लाई किया हुआ है, जैसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। अगर आपने इसको रिमूव करना है तो इस पर ही दोबारा क्लिक कर दो, पहले आपको सॉरी सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट जब आपने किया तो इसको रिमूव कर सकते हो इस तरीके से। इटैलिक को रिमूव करना है वो हो जाएगा, सबको इस तरीके से ही आप रिमूव कर सकते हो। देन जो हमारे पास ये होता है स्ट्राइक थ्रू, ये क्या होता है, क्रॉस समथिंग आउट बाय ड्राइंग अ लाइन थ्रू इट, मतलब कि जो है एक लाइन सेंटर से पास होगी इसके। जैसे हमने पहले इसे सिलेक्ट किया तो अब हमने स्ट्राइक थ्रू जो है वो अप्लाई किया, तो इस तरीके से ये हो जाती है। और इसका भी हमारे पास कोई यूज नहीं है, क्योंकि अगर हमसे कोई गलती से डिलीट हो गया तो हम उसे बैक स्पेस कर देंगे, तो इसका भी कोई हमारे पास यूज नहीं होता। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। जैसे ये मैंने अप्लाई किया हुआ है, हम जो है H2O कैसे अप्लाई कर सकते हैं, जैसे ये देखो हम नॉर्मल जो है H लिखते हैं, सॉरी हम इसका फॉन्ट चेंज कर देते हैं नॉर्मल, जैसे मैंने नॉर्मल लिखा H। और अगर हमने 2 जो है वो उसके मतलब कि सबस्क्रिप्ट में अप्लाई करना है तो इस किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, इस पर आप क्लिक कर सकते हो। इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस, और जैसे इस तरीके से अब हम 2 लिखेंगे तो नीचे चला जाएगा। अगर हमने O दोबारा से अब लिखना है तो इसे फिर से हमें हटाना पड़ेगा, नहीं तो O जो है साथ में लिखा जाएगा। तो इस तरीके से आपको फिर से O प्रेस कर सकते हो। और अगर आपने सुपर स्क्रिप्ट अप्लाई करना है तो वो आपके जैसे पार अप्लाई होती है, जैसे हमने 11th लिखा और नॉर्मल लिखेंगे तो इस तरीके से आएगा। और अगर आपको TH ऊपर चाहिए पावर में तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो, इसका कंट्रोल शिफ्ट प्लस होता है शॉर्टकट की, तो आप इस तरीके से TH लिखोगे और फिर से आप इसे हटा देंगे तो नॉर्मल जो है हम नॉर्मल आगे नॉर्मल लिख सकते हैं जो भी है डेटा इस तरीके से। और ये हमारे पास होता है फॉन्ट को स्टाइल देने के लिए इस तरीके से, जो भी हम लिख रहे हैं, जैसे ये देखो ये मैंने कोई भी अप्लाई किया और हमने ये देखो इस तरीके से कंप्यूटर कंप्यूटर क्लासेस इस तरीके से ये हम इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। ये फॉन्ट ही रहेगा, हमें इसे हटाना पड़ेगा फिर से इस तरीके से। और देन ये हमारे पास जो होता है ये टेक्स्ट हाईलाइट होता है, जैसे ये देखो हमने इस टेक्स्ट को हाईलाइट करना है तो आप टेक्स्ट हाईलाइट अप्लाई कर सकते हो इस तरीके से। तो ये टेक्स्ट जो है सॉरी वाइट हुआ हुआ था, येलो अब हम कर देते हैं। अब देखो जो ये है इस तरीके से आप हाईलाइट कर सकते हो, पहले डेटा को सिलेक्ट कर लो और उस तरीके से आप उसको हाईलाइट कर सकते हो। और देन जो उस पर ही क्लिक करके जो ये है कर्सर इस तरीके का चला जाएगा। और अगर आपने इसको जैसे कलर देना है कोई, तो आप यहाँ से
कलर दे सकते हो, जैसे ये देखो ब्लू कलर हो गया, तो आपको इस तरीके से शो होगा, मतलब टेक्स्ट को कलर दे सकते हो इससे, तो ये टेक्स्ट का स्टाइल दे सकते हो, इसको हाईलाइट यूज कर सकते हो, इससे आप टेक्स्ट को कलर दे सकते हो। तो ये हमारे फॉन्ट के सारे ऑप्शंस थे। और ये हमारे पास है क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग का क्या यूज होता है, ये क्या करता है, जो भी हमने अभी ऑप्शंस अप्लाई किए हैं, फंक्शंस अप्लाई किए थे, उन सबको क्लियर कर देगा। जैसे उससे पहले आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, जैसे ये मैंने सिलेक्ट किया, तो आप जैसे क्लियर हम क्लिक करेंगे, तो ये देखो ये सारा जो है पहले वाले में कन्वर्ट हो गया, कैलिबरी डेटा हो गया, 11 हो गया, ये सब जो है रिमूव हो गया। लेकिन हाईलाइट को अगर आपने रिमूव करना है, तो उसे सिलेक्ट करके आप क्या करोगे, वापस हाईलाइट में जाकर नो कलर कर दोगे, तो हाईलाइट जो है वो इस तरीके से रिमूव हो जाता है। इस तरीके से ये हमारे फोन के जो थैंक्स टू ऑल वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो इसे जरूर प्रेस करें, ताकि आपको जो मेरे चैनल से रिलेटेड नई नई अपडेट्स मिलती रहे।